हमारे यहाँ नई नई उम्र के बच्चे भाई बनने को तरजीह दे रहे हैं। वो मासूम नस्ल जिनके हाथों में कलम होना था, दवात होनी थी, जिन बच्चों को कापी पेंसिल दिया जाना चाहिए था, जिनकी पुश्तों पर, जिनके पट्ठों और कांधों पर स्कूल और मदरसे और कॉलेज के बैग होने चाहिए थे, जो किताबों का बोझ उठाते, अपने मुस्तकबिल की राहें हमवार करते, अपने हाल को संवारते, उन बच्चों को आपने कत्ल की रविश पर लगा दिया, उन बच्चों को आपने नशे की लत पर लगा दिया, उन बच्चों को आपने कत्ल की उन राहों तक पहुंचा दिया कि वो इंसानी जानों से खेलना अपने लिए शौक बना बैठे हैं। इसके मुजरिम है वो माँ बाप जिनके पास इस बात की फुर्सत नहीं है कि बेटा कब निकला, कहां रहा और कब पहुंचा। इसके मुजरिम है समाज के वो दानिश्वर जिन्होंने अपनी झूठी शान और शौकत को बुलंद करने के लिए बहुत से सब मंडप सजाए और अपने आप को बड़ा बनाए रखा। और इसके मुजरिम है वो मुस्लिम लीडरान जिन्होंने इलेक्शन के नाम पर वोट हासिल की और कौम ने उनको जिताया और उन्होंने इस मुआशरे से जुर्म का खात्मा नहीं किया, जुर्म को बढ़ावा दिया। एक तरफ उन्होंने अवाम से ये तय किया और अवाम से उन्होंने ये पैक किया और अवाम से ये मुआहिदा किया, तुम हमें वोट दो, इलाके में अमन लाएंगे, शांति बहाल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरी मजलिसों में, निजी मजलिसों में उन्हीं जुर्म के पापियों के साथ बंद कमरों में बैठे पाए गए और साफ हुई तस्वीर के मुजरिम भी वही है और नेता भी वही है। पूरे इलाके का सुकून गारत है, छोटे छोटे बच्चे नशे का शिकार है और फिर वो बढ़ते बढ़ते कत्ल की वारदातों तक पहुंच रहे हैं और सरेराह गोलियां मार दी जा रही हैं। और पता चलता है कि जब उनसे पूछा जाता है कि वो थे कहां से, उनका बैकग्राउंड क्या है, तो पता चला कोई किसी गैंग का है, कोई किसी भाई का साला है और किसी साले का बहनोई है। अजीब नालायकी सर चढ़कर बोल रही है और इंसानी जान को तमाशा बनाया हुआ है। आखिर यह है क्या? मैं और आप मुस्लिम माशरे के अफराद इसके जिम्मेदार हैं और अच्छे से सुन लीजिए, अगर आप इसे नहीं रोकेंगे तो ये आज किसी और के बच्चे और किसी और की दहलीज तक है, कल ये मर्ज और ये आग लगते हुए जब आपकी दहलीज तक पहुंचेगी और आपका बेटा और आपका पोता और नवासा कातिलों की सफ में खड़ा होगा, तब आपको अंदाजा होगा कि मैंने अगर इसके निकलते हुए कदमों को रोक लिया होता तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। छोटे छोटे बच्चों की क्या माना कि वो गिरोहों का हिस्सा हो? छोटे छोटे बच्चों की क्या माना 15 साल के 17 साल के बच्चे आवारा हराम खोरी करते हुए वो निठल्ले ठलवों की शक्ल में धक्के खाते फिरते हैं, वो किसी का मोबाइल छीनते हैं, किसी का पॉकेट मारते हैं, वो किसी को डराते हैं, धमकाते हैं और सरे राह एक आम सीधा साधा इंसान राह से नहीं गुजर सकता और जरा अंधेरा हो जाए तो गुजरते हुए उसे मौत वाके होती है। और वजह यह है कि एक मौत अंधेरा है और दूसरी मौत उस अंधेरे में छुपे हुए ये उभरती हुई जवानी का, उम्मत का वो मासूम कहिए कि असासा है जिसको संभाला जाना चाहिए था और जिसकी हिफाजत जरूरी थी।